नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं सुल्तानपुरी के अंदर। सुल्तानपुरी के जाने माने बहुत ही प्रतिष्ठित बहुजन समाज के नेता हैं संदीप बाल्मी जी की। संदीप जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं और अभी आम आदमी पार्टी का टीवी बैनर होर्डिंग्स वगैरह पे और यहाँ तक कि कॉल कर करके घर घर जा जा के पैसे मांगने की मुहिम चल रही है कि आप चंदा दें, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, इसके आपको ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जी कि ये लोग कहाँ से आए थे और कैसे आए थे। ये लोग जो ना देश को गुमराह करके, जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था और अभी इनके एक मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके ऊपर आरोप लगे थे और उनकी संपत्तियां भी जब्त हुई हैं। सीबीआई ने, ईडी ने छापे मारे, उनके ड्राइवर के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली है। जब ऐसे ऐसे लोग पद पे बैठेंगे तो इनको पैसे की, मुझे तो नहीं लगता, अगर भ्रष्टाचारी को पैसे आप बिठा रहे हो तो उससे मोटा पैसा भी ले रहे होगे आप लोग, चाहे कोई से भी दरवाजे से ले रहे हो। और जब बात आती है जनता की, जब इनको पैसा चाहिए या ड्रामा करना हो एक दिखावे के लिए, तो जनता के पास भागते हैं वोट के लिए कि जी पैसा दो, चंदा नहीं हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं। और जब राज्यसभा की टिकट देनी होती है तो इनको फिर कुमार विश्वास अधनासा आदमी लगता है, योगेंद्र यादव अधनासा आदमी लगता है, प्रशांत भूषण अधनासा आदमी लगता है, एक ठाकुर को, दो बनियों को भेजते हैं। जब ये दलित समाज या बहुजन समाज से क्यों नहीं पूछते कि हम झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर आए थे और कौन से समाज के व्यक्ति को हमने, जनता संवाद होना चाहिए। ये बेसिकली जो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार नहीं है, वो दिल्ली के आम लोगों की सरकार थी। आम आदमी पार्टी का मतलब था आम आदमी, अब आम आदमी पार्टी का मतलब है अरविंद केजरीवाल की अपनी पार्टी, अब ये हो गया। और चंदा इनको पता नहीं विदेशों से भी खूब आया था, ठीक है, चोर दरवाजे से कांग्रेस भी देती है, भाजपा भी देती है, इन्हीं की बी टीम है दोनों की। क्योंकि इस देश में जो पार्टी है ना, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, ये मनुवादियों की पार्टियां हैं, ठीक है। और जो चंदा है, ये हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये इनकी मानसिकता नहीं समझ पा रहे। ये जब इनके साथ रहेंगे जब पता चलेगा, क्योंकि हमने इनकी मानसिकता को देखा है। अगर आप 10 रुपया 1 रुपया चंदा देते हो तो आप अपनी वोट भी 100% की गारंटी देते हो इनको देने की। ये ड्रामा दिल्ली की जनता को वोट लूटने का हो रहा है। और साहब काशीराम एक बात कहते थे, मुझे वो बार बार याद आती है, ये जो वोट है ना, इसके अधिकार से हमारे हितों की रक्षा होती है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होती है। जिस वोट को डालने से हमारी बहन बेटियों की इज्जत की हम रक्षा करते हैं, अगर हम वो गलत आदमी को वोट देते हैं और पैसा देते हैं तो हम उससे भी ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं जो हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बेचते हैं। तो बहुजन समाज के व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि आप किस व्यक्ति को चंदा दे रहे हो। मैं कहता हूँ खुल के, आपको चंदा देना है आप बहुजन समाज पार्टी को दो ना, आपकी पार्टी है, हमारी नेता है बहन जी, आप जो है ना और बहुजन समाज की पार्टी को चंदा दो। इन मनुवादियों को तो पानी का गिलास भी मत दो आप लोग, ये आपके पास आते हैं तो। ये वही झाड़ू वाला है जब ये वाल्मीकि मंदिर में लॉन्च करता है, और जब झाड़ू वाले की तनख्वाह नहीं मिलती इसके घर जाते हैं तो उनको लाठियों से पिटवाता है, पुलिस वालों से वाटर कैनन चलवाता है। ये वही लोग हैं, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। और सुनो, एक नई बात क्या है, हमारे ही लोगों को भेजेंगे आपके पास, वाल्मीकि वाल्मीकि जाएगा, फ्लैट वालों में फ्लैट वाला जाएगा, झुग्गी वालों में झुग्गी वाला जाएगा। मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनके जो फ्लैटों में लोग रहते हैं ना जो पार्टी कार्यकर्ता, वो कहते हैं जी हम झुग्गियों में नहीं जाएंगे, वहाँ तो गंदे लोग रहते हैं, झुग्गियों में झुग्गी वालों को भी भेजो। और ये जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, इस तरह की उल्टी सीधी बात करते हैं। अरे अपनी पार्टी में SC ST विंग खत्म करो ना, आपकी पार्टी में कितने मेन लोग हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। केजरीवाल ड्रामा करता है, ठीक है, दिल्ली के सारे व्यापारी इसके साथ हैं जितने बढ़िया हैं, खूब पैसा दे रखा है इसको बढ़ियों ने, और बहुत सारे विधायकों की टिकट भी कटेंगे, बढ़िए बांटेंगे टिकट, अब सारे पदों पे बढ़िए बैठे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक खतरनाक बढ़िया गांधी था और एक केजरीवाल है, वो भी उन्होंने भी वाल्मीकि बस्ती में बैठ के बाबा साहब को भगवाया था वहाँ से, बहुजन समाज के लोगों से, ये भी वहीं से आया है, है ना। और हमारे समाज की जब बात होती है तो कोई काम नहीं होता, हमारे लोगों से दलाली की जाती है। चंदा मत देना, अगर आप चंदा देते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो अपनी बर्बादी के। सरकार बना के देख लिया आपने, इसने बहुत सारे वायदे किए थे, हम लोग जो है ना जी ठेकेदारी बंद करेंगे, समान काम समान वेतन, हरियाणा में जाता है DTC की हड़ताल में जाता है और दिल्ली में इसके DTC हड़ताल वाले बैठे हैं, ड्रामेबाज है, इससे थोड़ा बच के रहो। संदीप जी, एक बात बताइए, रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जितने भी टैक्स हैं वो जनता के ऊपर पड़ते हैं, और आज भी चंदा दे तो जनता ही दे, उसका क्या है ये? देखिए भाई साहब, आप कोई झूठ जो होती है ना उसे बार बार बोलो, लोग सच मानने लग जाते हैं।
एक आदमी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, 1.5 लाख का फ़ोन रखता है, ठीक है, IRS की नौकरी छोड़ के आता है, वो 2 साइज बड़ी कमीज पहनता है, 60 रुपये की चप्पल पहनता है, दिखावा। ये हमारे साहब काशीराम गरीबी में करते थे, ये अमीर होने के बावजूद गरीबी दिखाने का नाटक करता है कि गरीबों जैसा दिखूं और इनके हक अधिकार पे बैठ के इनको लूटूं। हमारे समाज में थोड़े दिन पहले गया था, इसने कहा था कि जब हम अम्बेडकर पढ़ाएंगे, कौन से स्कूल में अम्बेडकर पढ़ा रहा है? अब इनसे पूछो तो सही, बहुजन समाज के लोगों, लव मैं देता हूँ, जितना केजरीवाल कहेगा चंदा मैं इकट्ठा करके देता हूँ, मुझे बता दे कौन से स्कूल में बाबा साहब को पढ़ा रहे, अपना सब कुछ घर बार बेच के दूंगा, इससे चाहिए कुछ नहीं। लेकिन हमारे बाबा साहब को कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है, बताए ना। ये सब ड्रामेबाज हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। और हम लोग तो अभी एक मुहिम चलाएंगे हॉस्पिटलों का, जो इसका असली सच है वो भी दिखाएंगे आपको, स्कूलों का भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये सिर्फ बात आपकी करेंगे, आपका पैसा लूटने के लिए, आपकी टिकट वोटों को लूटने के लिए, और काम अपने समुदाय के लिए करेंगे ये लोग, है ना। अब भ्रष्टाचार जब 2G था, फलाना था, डिकड़ा था, जब ये चिल्ला चिल्ला कागज निकाला, शीला दीक्षित की फाइल कहाँ गई है, कहाँ मजिठियाई कहाँ गई? अरे एक ही परिवार के लोग हो, भाईचारा बरकरार रखते हो, जितने भी जेल में गए बहुजन समाज के लोग गए हैं, और जितने संत भी गए ना जेल में झूठे आरोप लगा लगा, ये भी बहुजन समाज के, एक भी स्वर्ण जाति का नहीं गया। बहुत बड़ा षड्यंत्र है सर, समझना पड़ेगा हमारे लोगों को।